अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले सुनो भाई, अभी जो बस आने वाली है वो किस तरफ जाने वाली है? बेट द्वारका जाएगी। बेट द्वारका ही चले जाना ठीक होगा मेरा। यहाँ से दूर कोई पता नहीं कर पाएगा। संतु भले ही लाख छुपाने की कोशिश की हो, पर मैं समझती हूँ मालिक अगर मेरी और हितेन की लगन के लिए तैयार हुए हैं, तो अपने और संतु के संबंध की कीमत पर। अगर धर्मपुर गई तो संतु मेरी और हितेन की लगन के लिए मालिक से छूटा छेड़ा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेगी, और अगर जामखंभालिया गई तो हितेन वहां पहुंच जाएगा, और अगर हितेन एक बार सामने आ गया तो मैं लड़खड़ा जाऊंगी, अपनी बहन की भविष्य को बचा नहीं पाऊंगी। मेरा यहां से जाना ठीक होगा, वही जरूरी है। माफ करना कांजी काका, आपसे झूठ बोला कि धर्मपुर जा रही हूँ, पर मेरा धर्म मुझे यही कहता है कि किसी भी कीमत पर अपनी छोटी बहन का भविष्य बचा सकूं। बैना ने मुझसे कहा था कि वो गोकुल अष्टमी तक यहाँ आ जाएंगी, पर वो अब तक आए क्यों नहीं? अरे ये तूफान तूफान कैसे शुरू हो गया? ये तूफान कैसे शुरू हो गया? पता नहीं बहना कहाँ रह गई, नमस्कार भी खत्म हो गया, पर बहना अब तक यहाँ पहुंची नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहना नाना जी के यहाँ ही सीधे चली गई? लगता है ब्रेक फेल हो गए हैं। तू यहाँ? हाँ नाना जी, बैना ने मुझसे कहा था कि वो जन्माष्टमी के उत्सव के लिए वहाँ आएगी, पर बैना अब तक वहाँ नहीं पहुंची, तो मैंने सोचा कि कहीं बैना घर नहीं आ गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं
कि पैना जाम कंपनिया से नहीं निकली? नहीं नहीं, वहां से तो वो सुबह निकल गई है। क्या? हाँ, कांजे ने मुझे फोन किया था, उसी ने बताया, और उस हिसाब से तो दोपहर तक उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मेरा अनुभव कहता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगी। नाना जी, आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है कि बैना को बस ना मिली हो या फिर रास्ते में ही खराब हो गई हो, बैना बस पहुंचती होगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसने तय कर लिया है कि वो यहाँ नहीं आएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे नाना जी? अगर उसे धर्मपुर आना होता तो उस दिन तेरे साथ ही चली आती, तभी उसने तुझसे बहाना बनाया खेती बाड़ी का और वहीं रुक गई। हमारे भाग्य के साथ क्या हो रहा है जब मालिक खुद खेमे बिना रितेन भाई का लगन करवाने के लिए तैयार हो गए, तो फिर बहना क्यों हमसे दूर चली गई? भाग्य का तो पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि अपना भाग्य बनाने के बदले वो तेरे भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। जैसे तूने मालिक को छुट्टा छेड़ा दे करके उसकी खुशी के बारे में सोचा, उसी तरह खेमी भी तेरे बारे में सोचते हुए सब कुछ छोड़ के चली गई। खेमी बागी तो हो सकती है लेकिन स्वार्थी नहीं। पर नाना जी, हम खेमी बहना को कहाँ ढूंढेंगे? कोशिश तो हम करेंगे उसे ढूंढने की, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्या अब वो क्या नहीं आएगी, वो हमें नहीं मिलेगी। बस मेरी खुड़ियार माँ से यही प्रार्थना है कि जहाँ भी रहे सुखी रहे, ठीक से रहे। देख संतुड़ी, वैसे तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता तुझे रोकना टोकना, क्योंकि नानका आते ही तू तो इस घर से निकल जाएगी। लेकिन जब तक तू इस घर में है, मुझे पसंद नहीं है इतनी रात के तेरा आना जाना। कहां से आ रही है? पिनबा, मैं नाना जी के यहां गई थी, मैं ना जाम खंबाड़िया से घर आने वाली थी। तो क्या हुआ, पहुंची तेरे नाना के घर या नहीं? बहना जाम कंबड़िया से निकली पर अब तक घर नहीं पहुंची। क्या मतलब है अभी तक नहीं पहुंची? भाग गई वापस बिना बताए? हे भगवान, तेरे बुड्ढे पे तरस आता है मुझे कभी कभी। एक दो इत्री का छुट्टा छेड़ा हो रहा है, दूसरी भाग गई बदनाम होके, अब तीसरी की बारी है। पता नहीं तेरे बुड्ढे ने क्या कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो इस जन्म में इस उम्र में तुम लोगों से पाला पड़ गया उसका। चल अवे, चल अंदर चल। लगता है किस्मत का चक्का पूरी तरह मेरी ओर घूम गया है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। पहले संतूड़ी का छुट्टा छेड़ा लेना, फिर नानका का खुद मान जाना, और अब उस खेमी का भाग जाना। पर मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये सही मौका है हितेन का लगन सोमिल भाई की बेटी से करवाने का। हेलो, जय श्री कृष्ण। सोमिल भाई, तरुबेन बोलू छू। तरुबेन, जय श्री कृष्ण। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। आई एम रियली सॉरी, जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपके यहाँ नहीं आ पाया। दरअसल मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया था।
तो तोरल को ही भेज देते। आप ठीक कह रही है, मगर वो अपने सहेली के साथ पिकनिक चली गई थी। अच्छा अच्छा, तो अब ले आइए तोरल को यहाँ। सौमिल भाई, सीधे मुद्दे पे ही बात करती हूँ, मुझे आपसे एक विषय में बात करनी है। जी तो रुपेन, कहिए ना। वो नानका की बड़ी इच्छा थी कि हितेन और तोरल का रिश्ता हो। जी हाँ, हम चाहते हैं कि तोरल महियावंशी परिवार का हिस्सा बने। मतलब अगर आप ठीक समझते हैं तो बैठ के इस विषय पे बात कर लेंगे। अरे नहीं नहीं तरुबेन, ये आप क्या कह रही हैं? धर्मराज महियावंशी के घर मेरी बेटी बहू बनकर जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके पहले हितेन और तोरल एक दूसरे से आपस में मिल लें। इसीलिए तो कह रही हूँ कि एक बार तोरल को हमारे यहाँ लेके आइए। बस हितेन और तोरल एक दूसरे को देख लेंगे, मिल लेंगे, उसके बाद आप तोरल से हितेन के बारे में पूछ लेना। ठीक है तरुबेन, तो फिर मैं कल शाम को ही तोरल को लेके आपके यहाँ आ जाता हूँ। आगे श्रीनाथ जी की जो भी मर्जी होगी। जय श्री कृष्ण तरुबेन। जय श्री कृष्ण। ये तोरल है ना, ये महियावंशी परिवार और हितेन के लिए लायक है ना संतुड़ी? नहीं तो एक तुम्हारी बेना भागम भाग एक्सप्रेस। जय श्री कृष्ण नाना जी। जय श्री कृष्ण बहन। केमी से मिलने आए, पर वो तो मैं जानता हूं वो नहीं है नाना जी। धर्मपुर के मालिक ने फिर से अपने लोगों के साथ झूठा बांधा। मैं एंटवर्प जा रहा हूं 10-12 दिन के लिए। पाछो आविस ने तो तेरा लगन करा दूंगा खेलने। पर मैं आपसे और मुंगी से मिलने आया नाना जी। वहां घर पर मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि हितेन भाई, हितेन भाई आप कैसे हो? ये ले मुंगी, ये तेरे लिए लाया हूँ। तुझे पालक का साग बहुत पसंद है ना? वाह हितेन भाई, आपने बहुत अच्छा किया, मैंने इतने दिनों से ये साग नहीं खाया। जब खेमी बहन आती वो बना के खिलाती थी, लेकिन अब तो वो खेमी बहन ही नहीं है तो क्या हुआ? तेरा ये हितेन भाई है ना? ये आपकी दवाई है नाना जी। मैंने सोचा कि पुरानी दवाई खत्म हो गई, इसीलिए ले आया। नितिन बेटा, इस बूढ़े आदमी के लिए क्यों इतना परेशान होते हो, क्यों करते हो ये सब? करने दीजिए नाना जी, वरना मैं उसे कभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। जैसे मैंने वादा किया कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा। बेनबा, क्या है? दादी जा रही है। जा रही है? चलो अच्छा है, जा पार्सल छोड़ के आ जा। बेनबा, जाने से पहले वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? कोई आवश्यकता नहीं है, जा जाके बोल दे, जा। तरुमेन, ए तरुमेन। आजो। हेमा मालिनी धर्मिंदर को पुकारती है ना, ऐसे पुकार रही है मुझे। हेलो, आचे तरुबेन। हाँ बोलो। आपके यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली। मैं बेनबा नहीं हूँ दादी, बेनबा तो इधर है। बहुत अच्छा उत्सव था, बहुत मजा आई, बड़ी खुशी मिली। आया ना, अभी यहाँ दोबारा नहीं आना। केवी बात करो छो तुम्हें,
તમે બોલાવો અને હું ન આવું જરૂર આવીગી મેં એ બહાર જાને કા રાસ્તા ઉધર હૈ રાસ્તા મેને કર લિયા અબ મેં ચલતી હું ચલ ચંપા કલી જય શ્રી કૃષ્ણ ચલો દાદી ચલો ચલ ચંપા કલી ચલ હા ચલો ચલો આરામ સે ચલો હા ચલો 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 यहाँ पे क्यों भेजता है सारे के सारे? अरे ये क्या, ये बुढ़िया सामान भूल गई? जा जा जाके देख क्या, नहीं तो वापस आएगी वो। नहीं बेनबा, ये मेरा सामान है, जा रही हूँ मैं। चौंकिए मत, मैंने सोचा था यहाँ रहूंगी तो अपने भाई की नाइंसाफी का बदला लूंगी, उसके बारे में सबको सच बताऊंगी, पर जब देखा कि वही इस राज को किसी के सामने नहीं लाना चाहता तो मैं ऐसा क्यों करूं? वो राज अपने साथ लेकर जा रही हूं बेनबा। जय रांदलमा। ये कौन से राज की बात कर रही थी? वो बेटा हितेन और खेमी, उनके बारे में मतलब छोड़ना, वो तुझे कारखाने जाना होगा ना, देरी हो रही होगी, चल मैं नाश्ता लगाती हूँ। हितेन भाई और खेमी की बात तो पूरा गांव जानता है, तो उसमें राज या बदनामी का कोई सवाल ही नहीं है। फिर ये कौन सा राज है और तरुफई ने मुझसे झूठ क्यों कहा? बेटवा का ध्यान नहीं है तुम्हें? ये तुमने क्या छुपाया अपने किताब में? कुछ नहीं, मैं तो बस नोट्स कंप्लीट कर रही थी। ठीक है, चलो अब नीचे चलो। पंद्रह हजार का बिल नहीं आएगा तो क्या पांच रुपए का बिल आएगा? इतनी बोलने की जो आदत है, फोन पर कथा बाची न बैठ जाती है। क्या 15,000 बिल आ गया? कौन इतनी बातें करता है फोन पे? और कौन करेगा? तेरी बा इतनी इतनी बातें बोलती है, हर एक घंटे में फोन घुमाती है, बेटी को, कद्दू को, आज क्या खाना बनाया कथा, शशांक कैसा है कथा, बर्तन कैसे साफ किए कथा। रहने दो भैया, मैं किसी को नहीं लगाती फोन। हाँ कुछ भी हुआ सारा दोष मेरे सर पे ही डालते हैं आप, खुद की बात कीजिए ना। हर पांच मिनट वो हसमुख भाई को फोन करते हो, वो कुछ नहीं ना। अरे आप झगड़िए मत दोनों, बिल को मंगा लेंगे ना, तो बिल देखेंगे तो पता चल जाएगा उस बिल से किसने कितने कितने फोन किए। अरे बिरवा क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? नहीं वो कल मेरा क्लास टेस्ट है ना, ज्यादा खाऊंगी तो नींद आ जाएगी,
पढ़ाई भी करनी है। मैं ऊपर जाके पढ़ाई करती हूँ। पंद्रह हजार बिल आ गया? कौन इतनी बातें करता है फोन पे? अरे आप झगड़िए मत दोनों, बिल को मंगा लेंगे ना, तो बिल देखेंगे तो पता चल जाएगा उस बिल से किसने कितने कितने फोन किए। सुनो, अब मैं फोन पे तुमसे इतनी बातें नहीं कर सकती। पता है इस बार फोन का बिल कितना आया? 15,000। तरफुई मजाक में कह रही थी कि वो बिल की डिटेल्स मंगवा लेंगी। अगर सच में उनको पता चल गया कि मैं फोन पर इतनी बातें करती हूँ तो नहीं, मैं फोन नहीं लगाऊंगी। तुम्हें बात करनी है तो तुम फोन करना। बाय। तरुफई। हाँ। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही मुझे। हाँ, ये दूध पी ले। दूध? तरुफई को मेरे दूध पीने की उम्र है? पर आपको मालूम है मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैंने इसमें बादाम डाला है। पीना। मालिक भाई, शुभ काम के लिए निकल रहे हो, अपने से बड़ों को नाराज नहीं करते, उनका कहना मानते हैं। चलो दूध पी लो। वैसे भी जब खंबाड़िया पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे हमें। क्या तू जाम खंबाड़िया जा रहा है? हाँ, कुछ काम है वहाँ। पप्पा ने हम दोनों को वहाँ पे किसी काम से जाने के लिए बोला है। लेकिन वहाँ क्यों? जम खंबाड़िया की जमीन पर अपनी नई फैक्ट्री का काम जल्द से जल्द शुरू करवाना है, और मोटा भाई ने मौलिक को उस प्रोजेक्ट में मालिक बनाया है। और वो बरवाटिया छे ना कांजी वाघेला, उसे उसका यूनियन लीडर बनाया है। तो मौलिक भाई एक मालिक के हैसियत से कांजी वगैरह को सारा काम समझा देंगे। नहीं नहीं नहीं, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, और कांजी वगैरह से भी मिलने की जरूरत नहीं है। पर क्यों फूई? बेटा वो बारवटी आता डाकू, और ऐसे लोग साधु के भेष में भी आए ना तो उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर पप्पा ने कहा है। देख नानका से मैं बात कर लूंगी। नहीं फिर, मैंने पहले ही पप्पा को कई बार निराश किया है, लेकिन इस बार मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। पप्पा ने कुछ काम दिया है तो सोच कर दिया होगा। चलता हूं। चले पीनू काका, देर हो रही है। आजकल के बच्चे भी ना मिसेस पाटिल, यू नो दे आर इम्पॉसिबल। मैम, मे आई कम इन? यस बिल्वा, सी बिल्वा, कल के क्लास में तुमने क्या किया था? इंग्लिश में हमेशा तुम्हें 95 मार्क्स आते थे, इस बार सिर्फ 55 मार्क्स। क्या हो गया तुम्हें? शायद तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अपने पेरेंट्स से कहना कि कल मुझे आकर मिले, मुझे भी जानना है कि तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है। सॉरी मैम, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। नो, आई जस्ट वांट टू मीट योर पेरेंट्स। मैम, वो डैड इंडिया में नहीं है और मम भी बिजी है। जैसे डैड वापस लौट आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी। ओके, पर कल जो मैं टेस्ट लेने वाली हूँ उसकी तैयारी ठीक तरीके से करना, वरना मुझे तुम्हारे घर खुद आना पड़ेगा। ओके, नाउ गो। थैंक गॉड पापा इंडिया में नहीं है, अगर ये बात घर तक पहुंच जाती तो बहुत बुरा होता। क्या हुआ संतु? पा, मैंने सुना है
कि भीन भाई तेन भाई का लगन सौमिल भाई की लड़की तोरल के साथ करवाने की बात चला रही है, और आजकल में वो लोग घर पे आने वाले। क्या बात कर रही हो तुम? बा आपसे एक बात करनी थी। दरअसल मैंने पता है, संतू ने मुझे अभी बताया कि सोमिल भाई उसकी बेटी के साथ आ रहे हैं। बता दिया इस ऑल इंडिया रेडियो ने? एक बात भी इसके पेट में नहीं रहती, पूरी उल्टी कर जाती है सबके सामने। कह रहे तुम लोग को स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है क्या, यहाँ की बातें सुनना उधर बताना? बाज नहीं आओगे तुम लोग? ये सब छोड़ करो, अच्छा होगा कि हितेन के रिश्ते की बात सोमिल भाई की बेटी से हो। हम उसके परिवार को जानते हैं ना, और लड़की को भी। जितनी जल्दी हितेन ये रिश्ते में बंधेगा, उतनी जल्दी वो अपने अतीत में से बाहर आएगा। यहाँ तोरण और इतेन भाई की लगन की बातें चल रही हैं, लेकिन क्या इतेन भाई इस बात को मानेंगे? क्या होगा जब उन्हें इस विषय में पता चलेगा? तो अरे ये क्या संतू, सिर्फ शरबत लेके आई, तोरल आई है हमारे घर में, जा नाश्ता लेके आ। जाना सोमिल भाई, तरुलता ने आपसे बात तो कर ही ली है, आपको कोई ऐतराज? मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, ये तो बच्चों की पसंद की बात है। ठीक कहा आपने, हम भी चाहते हैं कि हितेन और तोरल की बात आगे बढ़े, इसके पहले वो दोनों आपस में मिल ले, बात कर ले, और फिर इनसे पूछकर शादी की बात करेंगे। डैड आपने मुझे बताया नहीं? हाँ नहीं बताया, अब तू सबको सरप्राइज देती है ना, इसलिए मैंने सोचा आज तुझे भी एक सरप्राइज दे दूं। लेकिन शादी? बेटी कोई जबरदस्ती नहीं, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि तू और हितेन आपस में एक बार मिल ले, और अगर पसंद करो तो फिर बाद में रिश्ते की बात चलाएंगे। हाँ बेटा, हम लोग यही चाहते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, बातें करें। संतू वो नाश्ता रखो और हितेन को बुला के लाओ, जाओ। हितेन भाई आपको नीचे बुलाया है? नहीं आना है मुझे नीचे, और ना ही तुमसे कोई बात करनी, तुम यहां से चली जाओ। हितेन भाई आपकी रिश्ते की बात सोमिल भाई की बेटी तोरल के साथ चल रही है, वो लोग आए हैं, बाप बापूजी ने उनको नीचे बुलाया। तुम जाओ मैं आता हूं। सुना नहीं तुमने, मैंने कहा ना मैं यहां पर। बेटा सोमिल भाई को तो तुम जानते ही हो, ये उनकी बेटी है तोरल, और तोरल ये हमारा हितेन है। हाय। हाय। हितेन बेटा, नानका की बड़ी इच्छा है कि तुम दोनों का रिश्ता हो। मैं एंटवर्प जा रहा हूं 10-12 दिन के लिए, 5-24 में तो तेरा लगन करा दूंगा खेमी। मैं जानता था कि वो कुछ ऐसा ही चाहेंगे। अंकल अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं तुरल से किले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटे क्यों नहीं, तुरल जाओ।
हाँ हाँ क्यों नहीं, लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, बातें करे, यही तो चाहिए ना हमें। जाओ इधर बेटा, तोरल को अपना कमरा दिखाओ। लुखितेन देखो तुरु, तुम कुछ कहो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। जब इस रिश्ते की बात मुझे पता चली तो बहुत अजीब लगा मुझे, मैं तो नीचे भी नहीं आता था, लेकिन मैं आया तो बस तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारे पापा की बेइज्जती हो। मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं तुरंत कि मैं किसी और से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। आई एम सॉरी। यू आग्रे, अरे तुम्हें पता नहीं तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा? थैंक गॉड तुम किसी और से प्यार करते हो। मतलब? अरे मतलब ये कि हम दोनों एक ही फ्लाइट में सवार हैं। अरे मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती यार, डैड मुझे यहाँ पर लेकर आए, और तुम्हारे फैमिली को बुरा ना लगे इसलिए मैं यहाँ आ गई। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। व्हाट अ गाय, कूल, हैंडसम, माइंड ब्लोइंग, माय प्रिंस चार्मिंग, पेसी, पेसी नाम है उसका, पेसी तिरंदाज, पारसी है, जानते हो अमेरिका के इंडियन रेस्टोरेंट में हेड शेफ है वो, मैं उसी से शादी करूंगी। तो ये बात तुमने अपने पापा को बताई कि नहीं? वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पेसी पहले आकर डैड से मिले, क्योंकि जब तक डैड उसे देखेंगे नहीं तब तक उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने कास्ट का तो दूर इस देश का ही नहीं है। वैसे वो लड़की कौन है? कौन लड़की? अरे वही जिसे तुम प्यार करते हो। क्यों, वो लड़की नहीं है क्या? ऑफ कोर्स लड़की है वो, खेमी नाम है उसका। खेमी, इंडियन नेम? हाँ, जानते हो पेसी को इंडियन नेम्स बहुत पसंद है। आई टेल यू उसे इंडिया की सारी चीजें पसंद है। अगर वो तुम्हारे कमरे में आ गया ना तो उसे वो भी पसंद आ जाएगा। पता है क्यों? Because he likes this color. तो अब चले तुम्हारे डैड को बता दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं। अरे 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 रुको, इससे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मेरा क्या? तो मैं क्या करूं? देखो अगर मैं पापा को कह दूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो पापा मुझसे ढेर सारे सवाल करेंगे। अगर समझो कि डैड बात मान भी गए तो लड़कों की लंबी लाइन लगा देंगे मेरे लिए। सो प्लीज समझने की कोशिश करो। और देखो हर लड़का तुम्हारे जैसा तो होगा नहीं जो पहले से ही किसी लड़की से प्यार करता होगा। और फिर मैं जवान हूँ, चार्मिंग हूँ, कोई भी मुझे हाँ कर देगा, मैं तो फंस गई ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तक पेसी इंडिया नहीं आ जाता तब तक हम शादी के लिए हाँ कर देंगे, और फिर शादी तो हमें करनी ही नहीं है। ये मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तुम्हारी वजह से सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तुम्हारे घर से प्रपोजल आया, सो इसका सोल्यूशन भी तुम ही निकालोगे। तो तुम चाहती क्या हो कि मैं सबके सामने नीचे जाऊँ और कहूँ कि मुझे तोरल पसंद है? ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम झूठ बोलो, मैं तुम्हें बस इतना कह रही हूँ कि तुम सच मत बोलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और हाँ, अगर तुमने नहीं कहा ना तो मैं जाकर सबको बोल दूंगी कि हितेन ने मुझसे शादी करने के लिए ना कह दिया। ये ठीक है, चलो। अरे अरे क्या आदमी हो यार, प्यार करते हो और किसी के प्यार की कदर नहीं तुम्हें। तो सिंपल दोस्त, मेरे लिए थोड़ा सा नाटक कर दो, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। प्लीज 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 हाँ कर दो, समझो मुझे प्लीज। तो बेटा क्या तय किया तुम दोनों ने? जी आंटी,
हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह वाह, सौमिल भाई बधाई हो आपको। आपको भी तरो बहन, आपको कीजिए सौमिल भाई, मुंह मीठा कीजिए। बस अब जल्द से जल्द इस लगन का मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित जी से बात करनी होगी। अब नानका अभी रहता तो कितना अच्छा होता। एक मिनट तरफ हुई अंकल, मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें उनके आने के बाद ही हो, अगर आपको कोई एतराज ना हो। हाँ बेटे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। धर्मराज के बिना रिश्ता तय कर लेना तो बेमानी होगा। अरे कुछ ही दिन की तो बात है। जय श्री कृष्ण। मैं मौलिक धर्मराज मैयावंशी और आज यहाँ अपने पिता की ओर से आप सभी को संबोधित करने आया हूँ। बहुत जल्द आपके इस गांव में हमारा एक नया कारखाना शुरू होने वाला है जिसमें आप सभी का फायदा होगा। और जैसा कि मेरे पिता कहते हैं, जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत मेहनत करनी होती है, दिन रात मन लगा के काम करना पड़ता है। और इसीलिए अब से 7 घंटे के बजाय आप सभी को 10 घंटे काम करना होगा, गांव के सभी मर्द और औरतें भी। ये मौलिक भाई क्या कह रहे हैं? मालिक कभी भी औरतों से काम नहीं करवाए, ये धर्मपुर की परंपरा नहीं है। मने खबर छे दया। तो आप सब तैयार है ना? काम के लिए तैयार है, पर आपने जो कहा उसके लिए नहीं। कौन से जो कहना है यहाँ सामने आके कहो। तो तुमने कहा तो तुम्हारे हिसाब से जो मैंने कहा वो नहीं है? हाँ। कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे बताओ कि धर्मराज मैयावंशी ने तुम्हें अपने कोई संस्कार नहीं दिया क्या? तुमको ये नहीं बताया कि बड़ों से कैसे बात करते? तुम्हारे बाप की उम्र कम है और हमारे यहां बड़ों को तुम नहीं आप कह के पुकारते हैं। कौन है आप? मैं कांजी वाघेला। धर्मपुर के मालिक यानी कि तुम्हारे पिताजी यहां का काम संभालने के लिए मुझे चुना, मजदूरों का नेता हूं। और रही दूसरी बात, भाई हम तो सब समझते हैं कि जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम सबको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हमारे गांव की औरतें जरूरत से ज्यादा काम करें ये ना तो हमारे देश की परंपरा है और ना ही हमारे समाज में इसकी कोई मान्यता है। भाई करें काम, औरतें करें काम, लेकिन घर भी संभालें, बच्चे संभालें, गृहस्थी संभालें। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो ये सब तो रुक ही जाएगा ना, और ये मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं। काम भार। इस प्रोजेक्ट का हेड मैं हूं और तुम्हारा मालिक भी। प्रोजेक्ट के हेड तो है ही आप, तो मेरे मालिक नहीं। मेरा मालिक तो एक है, ऊपर वाला। आप प्रोजेक्ट के हेड हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमें सही दिशा दिखाएंगे।
और मजदूरों के नेता होने के नाते ये मेरा काम है कि मैं अपने लोगों की भलाई देखूं। हाँ मालिक भाई। चलिए पिनाकिन कक। हितेन बेटा, दूध रखा है तेरे लिए, पी लेना। बहुत लोगों की फूटी किस्मत देखी है मैंने, पर तेरे जैसी फूटी किस्मत नहीं देखी मैंने। जब तू हितेन से लगन करना चाहती थी तो सब लोग विरोध कर रहे थे, और अब जबकि नानका ने हाँ कर दी तुम्हारे रिश्ते के लिए, तो तू किस्मत से भाग गई। चलो अच्छा ही किया, मेरे लिए काम आसान हो गया। देखना, तेरे जाते ही हितेन ने तोरल को हाँ कर दी, तो अब तेरी हमारी जिंदगी में कोई आवश्यकता नहीं रही। तो फिर तू इस घर में, इस कमरे में क्या कर रही है? क्योंकि बदनाम होके इस तरह जब लड़की भाग जाती है ना, तो उसे मरा हुआ कहते हैं, और मरे लोगों का अंत्य संस्कार करना बड़े पुण्य का काम होता है, और ये पुण्य का काम मैं अवश्य करूंगी। क्या करी तरफ? जला दिया उसको। अब वैसे भी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है तू, इसकी क्या आवश्यकता है? अब इसे भूल जा आप। हाँ, पुरानी यादों को जलाना ही अच्छा होता है। अग्नि संस्कार उनका होता है तरुफे, जो दुनिया में नहीं होते, पर खेमी जहां कहीं भी है सलामत है। और एक तस्वीर जलाने से आप हमारा प्यार खत्म नहीं कर देंगे। खेमी को चाहता हूं और चाहता रहूंगा। प्यार की बीमारी निकलने में बड़ा समय लगता है।
विरवा, इस समय कहाँ जा रही हो तुम? टर्मिनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, आज पढ़ने के लिए स्कूल में छुट्टी है, तो हम सारे बच्चे एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं ग्रुप स्टडी करने। वो क्या होता है? ग्रुप स्टडी कहते हैं बेटा, सब बच्चे मिलकर साथ पढ़ते हैं ना, इसे ग्रुप स्टडी कहते हैं बेटा। पर पढ़ाई तो अकेली की जाती है, सबके साथ पढ़ाई कैसी होती है? ये बात भी सही है। ए बिरवा, तेरी बात को समझा। एग्जाम के वक्त सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ताकि किसी बच्चे को मुश्किल आ जाए तो हम मदद कर देते हैं और उसको परेशानी भी नहीं होती। प्लीज जाने दो ना। ठीक है जाओ, पर अपना मन पढ़ाई में लगाना, बातों में नहीं। ओके। पर खाना तो खा के जाओ। वो सोनल के घर जा रही हूँ ना मैं, वहाँ खा लूंगी। बाय। मौलिक भाई, खाना तैयार है, आप तवे तो मैं लगा दूं। गुस्सा अगर खुद पर हो तो अन्न पर नहीं निकालना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। खाइए मौलिक भाई। चंपा कले। मौलिक भाई, आपको कुछ चाहिए? मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने चंपा कली को आवाज दी है, लगता है खाना बनाना भूल गई है। ये कैसा खाना बनाया? पर आपने जो साग खाया वो तो मैंने बनाया, आपको पसंद है ना इसलिए। क्यों, अच्छा नहीं बनाया? अगर आगे से ना बनाओ तो अच्छा होगा, का स्वाद ही बिगाड़ दिया। मैं अपनी चार्ज लाती हूँ। ए, रुक, क्या कर रही है ये? कितने बार कहा तुझे, नमक वाली छाछ पीता नहीं है मेरा बेटा, चल हट, आजा बेटा। ये क्या खाना लगाया यहाँ, बैठ ले, मैंने तेरे लिए मनपसंद खाना बनाया है तेरा। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है तू? तुझे हम खम्बाड़िया गया था ना? कुछ ठीक नहीं था रुपए, वो कांजी वगैरह। कांजी, क्या हुआ? होना क्या है फूई, ना जाने क्या समझता है अपने आप को। कांजी वगैरह को मजदूरों का लीडर बना के शायद पापा से बहुत बड़ी गलती हो गई। देख, मैंने तुझे कहा था ना, उसके साथ कोई भी काम मत कर। अरे बारबटिया था वो, डाकू। अरे मैं जानती हूँ उसे, खतरनाक है वो। आप उसे जानती हो फिर? हाँ मतलब जानती तो हुई ना। लेकिन आप उसे कैसे जानती हो? अरे बारबटिया था वो, और नानका ने भी तो कहा था ना मुझे उसके बारे में। देख, बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं ऐसे, तो उसके साथ काम मत करना। नहीं तरफ, किसी एक इंसान की वजह से मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। अगर वो भारवटिया है तो मैं भी एक महिया वंशी हूं। ऐसे 10 कांजी वगैरह से अकेले कैसे निपटना है मैं जानता हूं। जय श्री कृष्ण तरुबेन। तुमसे एक बात करनी थी, ध्यान से सुनो मेरी बात। हाँ, आज ही के आज तुम ये कार्रवाई कर दो। सारे लड़के एक जैसे होते हैं,
पेशी 2 घंटे लगाता है और ये 2.5 घंटे हो गए अब तक नहीं आया। पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लड़के। तुरंत। ओह हाय। तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? आते ही सवाल शुरू। अरे सांस तो लो। एक मिनट। हाँ बेटा 2 ऑरेंज जूस। थैंक यू। अरे खड़े क्यों, बैठो ना। अब बताओ बात क्या है? देखो मेरे डैड को लगता है कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे लड़के हो और जब हमने शादी के लिए हाँ कर दी तो क्यों ना हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले, पहचान ले, तो बस उन्हीं के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सी तुमने उस दिन कहा था कि डीएम अंकल के आने से पहले कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे डैड इतने एक्साइटेड हो गए कि अभी से शादी की प्लानिंग शुरू कर दी। अरे वो तो चाहते हैं कि सगाई भी जल्दी हो जाए, पर कौन समझाए उन्हें, कहते हैं कि डीएम अंकल को सरप्राइज दूंगा। अरे यार एक बार क्या सरप्राइज दे दी मैंने उन्हें, सरप्राइज के नाम पे मुझे शौक पे शौक दिए जा रहे हो। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। तुम क्या पागल पागल हो? क्यों? तुम ये बात कहने के लिए सूरत से धर्मपुर आए? ये लो तुम भी ना यहाँ वहाँ की बातें करके इम्पोर्टेंट बात तो भुलवा दी मुझे। देखो बात ये, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डैड को पेशी के बारे में बता देना चाहिए। पेशी के बारे में? वेरी गुड। यानी डैड की गोली और तोरण डायरेक्ट यमराज के पास। देखो हितेन मेरे डैड जात पात में बहुत मानते हैं और अगर मैंने बता दिया कि मैं पेशी से प्यार करती हूँ तो पेशी ये नाम सुन के ही वो पेस में तांडव शुरू कर देंगे। सी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और वो प्लीज तुम मुझे दे दो। तुरल जो किसी से प्यार करते हैं वो किसी से डरते नहीं। नॉट बैड। हाँ फिल्मी डायलॉग, बहुत फिल्में देखते हो क्या? कूल। इट्स लाइक हाँ प्यार किया तो डरना क्या। नाइस। हाँ वेरी नाइस। अरे हाँ एक बात तो भूल गई, जब मैं यहाँ आई हूँ तो क्यों ना हम खेमी से मिल ले। अरे सोच क्या रहे हो, लड़के के होते हुए लड़की बिल पे करेगी क्या? चलो जल्दी बिल पे करो, खेमी से मिलते हैं। ये है खेमी का घर। वाओ जानते हो अगर पेशी यहाँ होता ना तो उसे भी ये बहुत पसंद आता। यहाँ कितना अच्छा है, कितना खुला। वाओ चलो। या मुंगी हितेन भाई, इस समय आप यहाँ आज भी कुछ खाने के लिए लाए हो? आज कुछ खाने को नहीं लाया, आज मैं अपनी दोस्त को ये जगह दिखाने लाया जहाँ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन बिताए। कौन है ये? ये तोरल है मेरी दोस्त। तोरल ये मुंगी है, खेमी की छोटी बहन। ओह हाय, ग्लैड टू मीट यू। नमस्ते। नमस्ते। हितेन भाई नाना जी कारखाने का है, आप लोग बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं मुंगी, तू पढ़ाई कर रही थी ना, पढ़ाई को बीच में छोड़कर नहीं आते, इससे विद्या का अपमान होता है।
यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? अगर मैं जानता तो उसे ले आता, पर वो बहुत दूर चली गई है। मतलब? हमारी शादी को लेकर हमारी बिरादरी में बहुत मुश्किलें थी। उसी मुश्किल को दूर करने के लिए वो कहीं चली गई। ओह, but you don't worry, मैं जानती हूँ, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। तुम्हारा प्यार उसे खींच लाएगा। उसे तुम्हारे पास लौटना होगा हितिन, वो जरूर आएगी। मुझे भी पूरा विश्वास है तुम्हें कि खेमी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। आज नहीं तो कल वापस वो लौटेंगे। हेलो। हेलो जी, मुझे बिरवा से बात करनी है। पर बिरवा तो घर पर नहीं है, वो अपने दोस्त के यहाँ गई है। वो क्या कहते गिरिप सीढ़ी के लिए। क्या? आज सुबह तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थी और बिरवा को छोड़ के लगभग सारे लोग आए थे। कहाँ गई होगी वो? एनीवेज आंटी, अगर वो घर पे आए तो कह देना सोनल का फोन था। खाना तो खा के जाओ। वो सोनल के घर जा रही हूँ ना मैं, वहाँ खा लो। टर्मिनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सुबह आज पढ़ने के लिए स्कूल में छुट्टी क्लास है। टर्मिनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आज पढ़ने के लिए स्कूल में छुट्टी है। बिरवा ने तो कहा था कि वो सोनल के घर जा रही है। अगर वो सोनल के घर नहीं गई है, इस समय वो कहाँ गई?